बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत ज़िंदगी चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जो रेड का बटन है उसको प्रेस करें और सब्सक्राइब कर दें। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि अगर आपको जोड़ों का दर्द है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों में ऐसे हो रहा है, क्योंकि पहले तो था कि बूढ़े जो होते थे, जो लोग ओल्ड यानी कि एज में चले जाते थे, उनको जो है वो जोड़ों वगैरह का दर्द होता था, लेकिन आजकल नौजवान नस्ल में भी ये अमल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि उस तरह की खुराकें नहीं है, इस वजह से जोड़ों का दर्द हो रहा है। तो उसके हल के लिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगी। कोई मेडिसिन नहीं है, आपने बहुत सारे टोटके यूज़ किए होंगे, लेकिन मेरे कहने पर आप एक मरतबा ये ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, वो है जापानी फल। जापानी फल के बारे में आपने सुना होगा, जापानी फल एक बहुत ही मशहूर फल है। तो लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं, आपने इसके फ़ायदे कम सुने होंगे, बहुत सारे लोग इसे खाना पसंद भी नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग खाते भी हैं। लेकिन आपने बस करना यह है कि आपने रोज़ाना के 2 अदद जापानी फल लेने हैं, ठीक है, उसको आपने काट के अच्छी तरह से उसको आपने खा लेना है। अगर आप 2 नहीं खा सकते तो 1 ज़रूर खाएँ। जिनको जोड़ों का दर्द है, आजकल सीज़न है तो आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएंगे, इतने महंगे भी नहीं हैं। तो 2 अदद आपने जापानी फल रोज़ाना खाने हैं, ज़्यादा खाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश करें कम से कम जो है वो 2 खाएं। तो वो जो है वो आपने खाने हैं कितने दिन तक, आप 1 महीना लगातार खा लें, नहीं तो 2 हफ्ते ज़रूर खाएँ, तो इंशाल्लाह आपके जोड़ों का दर्द आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका होगा। क्योंकि इसमें आप सोचेंगे कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे तो इसमें विटामिन्स हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं, लेकिन मैं जो जिस टॉपिक पे आपको बात बता रहा हूँ वो ये है कि इसमें एक लेसदार मादा होता है जो कुदरत ने इसके अंदर पाया है। वो लेसदार मादा जो है वो आपके जोड़ों में जाता है और आपके जोड़ों की जो रवानगी है उसको बेहतर बनाता है। उसकी मदद से आपके जोड़ जो हैं वो दर्द होना बंद हो जाते हैं, आपकी जो टक टक की आवाज़ें आती हैं जोड़ों के टाँगों से या फिर आपके बाजू जो कोहनियाँ वगैरह हैं, ठीक है, तो ये आप इस्तेमाल करें, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगे मेरा नुस्खा, मेरी टिप्स आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। एक बार ट्राई ज़रूर करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।